अरे ओ धन्ना, इस बंजर जमीन का कुछ ना होना, तू सफाई करता रह जाएगा और जब तक हल जोतने का टाइम आएगा समय निकल जाएगा। अरे फिर के गुरु इरारा ले या जमीन बोनी छोड़ दूं? तेरे भाई ने तेरे साथ ठीक ना किया, तने बंजर जमीन दे के बावड़ा बना दिया। अरे इरालाल एक बात बता। आ, पूछ। या जमीन मेरी, भाई मेरा, फिर तेरे के दिक्कत है? अरे भैया अकेले आदमी का काम ना, ये शहर जाके मजदूर लिया। भाई इरालाल मैं अपनी यह जमीन अपने आप जोत लूंगा, दो दिन में तेरे को काम करके दिखाऊंगा। जा भाई अपना काम कर ले, क्यों गाई कर रहा है? ठीक है, भलमनसाई का जमाना ना यार, कर जो करना है तुझे। ठीक क्या था हीरालाल, यह जमीन जोतन खातर मजदूर तो लाने पड़ेंगे, ना तो पिछली बार की तरिया फिर बंजर रह जाएगी। चल भाई पंडित क्यों क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ, भगवान को भोग चढ़ा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? यो के खा सके? अरे मंदबुद्धि आदमी, यो भगवान है, तूने कभी खेत जोतने के अलावा कुछ देखा भी है? मैं इनको भोग चढ़ा रहा हूँ, इनके बगैर तो दुनिया में पत्ता भी ना हिले, और यूं दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। अगर शाम सवेरे इनकी पूजा करें, आरती करें, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। कुछ भी? हाँ। एक भगवान मन में भी दे दे। तू भगवान का क्या करेगा? क्यों भगवान मेरा खेत जोत लेगा? क्या कह रहा है, भगवान खेत जोतेगा? क्यों नहीं जोत सकते? तू इधर का उधर पंडित, भगवान सब कुछ कर सके हैं, तो फिर मेरा खेत भी जोत सके हैं। देख पंडित, कुछ भी ले ले, पर एक भगवान मन दे दे। तू भगवान लेगा? तू ऐसा कर, तू कट्टे चावल और घी लिया, मैं तुझे भगवान दे दूंगा। पक्का? हाँ पक्का ना पंडित। हाँ मैं यूं गया, अरे भाया मेरे एक भगवान ने दे दिए। अब तू जा मुझे पूजा करने दे। मैं यूं गया यूं आया पंडित। हाँ तू जा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पंडित जी, मैं सारा सामान ले आया। अरे भगवान मैंने दे दो। तू तो सच में ले आया सामान? हाँ पंडित जी सब ले आया, भगवान दे दो मैंने। भगवान? चल तू यही रुक, मैं भगवान लाता हूँ। ठीक है रे, कोई देख तो नहीं रहा? अच्छा मूर्ख बनाया इसे। ले भैया, हो गए तेरे भगवान तैयार।
ये तेरे भगवान है, ले। और सुन, बात एक और है, ये अपनी मर्जी के मालिक है, अगर ये तेरा काम ना करे तो मुझसे कुछ ना कहिए। वो मैं अपने आप देख लूंगा। अच्छा तो तू जा, मुझे पूजा करने दे। जा 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 जा। बाहर प्रभु। यो मेरा घर से, तुझे भूख लग रही होगी ना, कुछ खा ले। मन बेरा है, तुझे पंडिता गल्ला रह के हलवार खीर खाने की आदत हो रही है, फिर कोई ना, एक बार मेरी फसल बू जान दे, फिर तुझे सारी चीज खवा दूंगा, जब तू यो खा ले फिर मैं जाऊं सोन, ठीक से? खाल खेत में गणाए काम करना है, सो जा तू भी। हमारा खेत है भगवान, देख ले, ठीक से जो तुमने रास्ते मिल गया ना, तो मैं अकेला कति दुखी हो लिया था इस सारे खेत में काम कर करके, ये बापा दोनों मिल के है ना इस बंजर जमीन ने उपजाऊ बना देंगे और लोग ने खेती करके दिखावांगे, ठीक है भगवान? अब तेरा काम यो से, मैं तो जाऊं बाजार में बीज लेन, और तू तो इस सारे खेत में खोद दे मेरे आने पहला, फिर इसमें बीज गिर देंगे हम, ठीक से भगवान? चल लूं मैं, काम करे पाइए। रखे बात होगी, काम ना करे तने इपती, कोई बात ना, आज तेरा पहला पहला दिन है, भूख लग रही होगी ना, ये ले रोटी खा ले, रोटी ले आया हूं, तू रोटी खा, मैं जब ते थोड़ा खेत का काम करया हूं। अरे के बात होगी, मन्ना लाग रहा तेरा, ये रोटी भी ना खाई तेने, चल कोई बात ना, इब हम घरा चलेंगे, चल।
आ गया भैया, आज रोटी खा ली है और आज तने यो सारा खेत भी खोदना है। कदे बैठा रहा काल की त्रिया, मैं जाऊं पानी लेन, जब ती आऊं जब ती उठ के अपना काम कर लिए, समझ गया? अरे हद होगी तेरी, ना तने खेत खोद लिया, बीज कद बोएंगे हम? नू काम ना चल रहा है, काम करना पड़ेगा जब काम चलेगा। खड़ा और बीज बोइस खेत में, अरे कती ना शर्म तेरे, खड़ा नहीं हो रहा। रुक जा, नू ना मानना तू तेरा काम बांधना पड़ेगा। उठे आगे जा रहा हूं। लठ दी ते सब सिद्ध हो जाए। क्रोध नहीं जा रहा। काल का कहन ला रहा हूं, काम कर ले काम कर ले, ना दिमाग खराब करके धर दिया काल का। हिब्बी तो मान गया लटके आ गए। चलो यो काम तो ठीक हो गया। अरे भगवान है, मैं रोटी लेन जाऊं, अरे यो सारा खेत खोद लिए, कदे फेर बैठा पावे लठे। अरे ये धन्ना के खेत में कौन काम कर रहा है? इसको तो पहले कभी ना देखा। अरे ये तो प्रभु लग रहा है। प्रभु प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, प्रभु प्रभु प्रभु, मैं इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूं और आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, और आप इस गंवार के खेत में काम कर रहे हैं प्रभु, ये आपकी कौन सी माया है? प्रभु कौन सी माया है? उठो, जो तुम देख रहे हो यह सत्य है। यद्यपि तुम मेरी पूजा करते हो, मुझे भोग भी लगाते हो, मेरी स्तुति भी करते हो, किंतु तुम मेरा नाम लेकर भोले भाले मनुष्यों को छलते भी हो। तुमने तो इस गंवार को भी ईश्वर का नाम लेके एक पत्थर थमा दिया, और इस गंवार को तुम्हारे उस असत्य पे भी अटूट विश्वास था, और उसके इसी विश्वास ने मुझे इस पत्थर से निकलकर इन खेतों में काम करने के लिए विवश कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं कहां जाऊं, मेरा नाम लेके लोगों को छलने वाले तुम्हारे पास, या मुझ पर अटूट विश्वास रख के मुझे एक पत्थर से निकलने पे विवश करने वाले इस गंवार के पास? जाओ बस जाओ, अपना कर्म करो। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। विश्वास बड़ा छोटा सा शब्द है, पर यो ये शब्द हर चीज की नींव है। मन में अगर विश्वास हो तो सामने पड़ा उड़ पत्थर भी भगवान नजर आता है।
और अगर मन में विश्वास ना हो तो सामने खड़ा उठ भगवान भी पत्थर नजर आता है। सब आस्था आस्था की बात है भाई।